जय श्री राम। जिन दोस्तों में ऑल इंडिया साइकिल राइडर नरेंद्र सिंह यादव, आप फिलहाल हूँ उत्तर प्रदेश के वृंदावन में और यहाँ पे मैं अब जा रहा हूँ बांके बिहारी लाल जी टेम्पल में दर्शन करने। और सुबह के बजे हैं 8 बजे हैं, तो अभी आपको भी लेके चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, आपको भी दर्शन करवाएंगे और इसके बाद फिर हम निकल जाएंगे मथुरा की तरफ। ये वृंदावन का हमारा लास्ट टेम्पल है, इसके बाद हम है ना मथुरा में प्रस्थान करेंगे, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि देखेंगे। अभी आपको यहाँ की छोटी छोटी गलियों का दिखाते हैं, लाइन शायद लग चुकी है, तो छोटी छोटी गलियाँ जा रही हैं बांके बिहारी लाल जी की। और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा क्राउड है क्योंकि सुबह सुबह आरती के टाइम में ना सब भगवान के चरणों में हाजिरी लगाना चाहते हैं। और हमारी एंट्री शायद 2 नंबर गेट से हो रही है, जो आप सामने बोर्ड देख रहे हैं, श्री बांके बिहारी जी मंदिर गेट नंबर 2 से एंट्री हो रही है हमारी। शायद एंट्री करते हैं, दर्शन करते हैं और फिर बांके बिहारी लाल की जय हो। फाइनली हमारी है ना एंट्री हो चुकी है बांके बिहारी टेंपल में, बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करेंगे और आप लोगों को करवाएंगे। बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही पुराना टेंपल है ये वृंदावन का। सामने बांके बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। फाइनली गाइज हमारे बांके बिहारी लाल जी के दर्शन हो चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से अपनी साइकिल के पास और साइकिल से पार्किंग में जाके साइकिल लेके देखते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, हल्का सा ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद हम निकलेंगे मथुरा की तरफ कृष्ण जन्मभूमि देखने के लिए। तो फिर वहाँ से थोड़ा रेस्ट करें क्योंकि पूरी रात हमने सोया नहीं, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए पूरी रात हम जगे रहे, सुबह नींद नहीं आई है ना। तो इतना ही बोलूँगा कि प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करके ना मन को बहुत शांति मिली है और मैं तो चाहता हूँ कि जब जब मेरे को मौका मिले मैं प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने ज़रूर वृंदावन आऊँ, कोशिश करूँगा कि हाँ ज़रूर आऊँगा। और अभी हम अपनी साइकिल के पास चल रहे हैं, तो ब्लॉग्स में जुड़े रहें, स्किप ना करें। और कृष्ण जन्म मूवी दिखाने वाला हूँ इसी ब्लॉग्स में, तो अभी चलते हैं हम आगे की तरफ। तो फाइनली गाइस हम कृष्ण जन्म भूमि में पहुंच चुके हैं, हमारी एंट्री हो चुकी है, बस अब थोड़ी देर बाद हमारे फ़ोन वगैरह बैग वगैरह सब जमा हो जाएंगे और उसके बाद फिर सिर्फ हम अंदर जाके और भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पे जन्म हुआ था वो देख के आ सकते हैं। अंदर कभी मैंने कभी आया नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम देखने जा रहा हूँ, तो देख के आते हैं और आपको भी यहाँ बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। अभी ये बाहर का व्यूज है मार्केट का,
है ना, खाने पीने की दुकानें और भगवान से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं इधर, पर खाने पीने का कुछ ज़्यादा ही इधर है, फास्ट फूड कुछ ज़्यादा ही है भाई। तो वो देख रहे हो सामने कितना अच्छी मूर्ति बनी हुई है, अभी पता नहीं किधर से एंट्री होगी किधर से नहीं होगी, मेरे को भी इतना अंदाज़ा नहीं है, फर्स्ट टाइम आया हूँ है ना। तो अभी जाते हैं, लॉकर रूम है उधर, शायद लॉकर में पहले सामान रखेंगे। तो अब मथुरा से बस हम कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करके निकल जाएंगे आगरा की तरफ, गेट नंबर 1 से हमारी एंट्री होगी यहाँ से। चलते अंदर, पहले फ़ोन वगैरह सब जमा कराते हैं उसके बाद है ना। फाइनली गई, शाम के 4:30 बज चुके हैं और हम हैं फिलहाल आगरा के लिए, डाइवर्ट हो रहा है रास्ता साइड वाला और हमें चलना है ग्वालियर वाले रास्ते पे, और हमारे रास्ते में ना थोड़ा सा राजस्थान टच होगा जो कि धौलपुर आएगा। तो अभी हम आपको है ना बैक कैमरे से दिखाने वाले हैं। तो गाइस ये तो अपनी साइकिल खड़ी है और ऊपर आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर 635 किलोमीटर है और हमारा राजस्थान का जो धौलपुर जो सबसे छोटा ज़िला है वो 72 किलोमीटर दूर है, आगरा 21 किलोमीटर दूर है। तो हम आगरा ना जाके हम चलेंगे ग्वालियर की तरफ और ये हमारी साइकिल खड़ी है और शाम भी देखो ढलने वाली है, 4:30 बज चुके हैं और आज हम मथुरा से लेट निकले थे, शायद 12 बजे के आसपास। तो बस अब ये फ्लाईओवर चढ़ेंगे और हमारा ग्वालियर का लक्ष्य रहेगा और फिर ग्वालियर से हमें मध्य प्रदेश में एंट्री मिलेगी। तो अभी चलते हैं, ये अपनी साइकिल है। तो जो चैनल पे नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाइक को प्यार करें, सपोर्ट करें है ना, इतना ही बोलूँगा मैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है भाई भारत यात्रा करने में, और सबसे बड़ी बात है कि विदाउट मनी ट्रैवलिंग कर रहे हैं। अब की बात पैसे जो थे सारे ख़त्म हो चुके हैं, फ़ोन वगैरह चोरी हुए, नया फ़ोन लिया तो पैसे भी नहीं है ना, विदाउट मनी ट्रैवलिंग करेंगे, देखते हैं कि बगैर पैसों के हम कितनी ट्रैवलिंग कर पाते हैं, कितनी कठिनाइयाँ आती हैं। तो ये सब भी एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा हमारा ना। प्रो साइकिल राइडर देखो कितनी तेज भगा के ले जा रहे हैं भाई, देखो। तो चलते हैं अब ग्वालियर की तरफ। तो फाइनली गाइस 6:30 बज चुके हैं और हमने 5:30 बजे स्टे कर लिया था, बस अब तो मोबाइल वगैरह चार्ज कर रहे हैं और पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं। तो जो पेट्रोल पंप का जो गार्डन है ना, हम उसी में अपना कैंपिंग टेंट करेंगे, जस्ट उसके सामने 2-3 ढाबे हैं, जो उनसे भी ढाबे पे हमें खाना अच्छा लगेगा, जाते हैं देखते हैं और अपनी दाल रोटी खा के और रेस्ट करेंगे, क्योंकि कल पूरा दिन नहीं सोया, प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन किए थे और तो आज थोड़ा जल्दी ज़्यादा थक गए हैं। तो गाइस जब हम कैंपिंग टेंट करेंगे आपको वो भी वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ कि कैंपिंग टेंट कैसे करते हैं और कहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो फिलहाल अभी हम खाना खा के आएंगे, क्योंकि अगर कैंपिंग टेंट लगा देंगे तो फिर खाना खाने जाएंगे तो आएंगे इतनी कोई दिक्कत हो जाए, और पहले हम अपने फ़ोन पैसे चोरी करा के एक है ना अपने आप को एक सदमा दे के बैठे हैं, तो अब हम ऐसी गलती ना करेंगे, पहले खाना वाना खा के आएंगे फिर कैंपिंग टेंट करेंगे। तो चलते हैं खाना खाने के लिए, तो आप भी चले मेरे साथ। मैंने लिखा है रात के बजे हैं 7:30 और 7:30 बजे इतना अंधेरा, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ गया है, सर्दियों के मौसम में जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो हम फिलहाल अभी हैं जो कि बाईपास है आगरा वाला, उस पर ग्वालियर आगरा बाईपास पे, और ये भारत पेट्रोल पंप का गार्डन है जिसमें हमने अपना देख रहे हो कैंपिंग कर चुके हैं और अपनी रात आज यही निकलने वाली है कैंपिंग के अंदर। तो हमारी साइकिल देखो पीछे, हमारी साइकिल हमारी आंखों के सामने खड़ी है और हमने हमारा पूरा सेटअप रेडी कर लिया है बिल्कुल ना, अपनी मैट वैट बिछा के बैग वगैरह रख के, बस अब सोने का इंतज़ार रहेगा ना, अब बस मेरी कमी है इस कैंपिंग टेंट के अंदर और जाके सोएंगे, क्योंकि मैंने पिछले बताया था कि मैं सोया नहीं प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए, आज पूरे दिन साइकिलिंग की तो थोड़ा थक भी गया हूँ। तो जल्दी सोएंगे फिर सुबह नेक्स्ट अपनी यात्रा को आगे की तरफ लेके चलना है, और कन्याकुमारी भाई पास नहीं है अभी भी, यहाँ से 2600 किलोमीटर बचा हुआ है, जब मैं कश्मीर से स्टार्ट किया जब 4500 किलोमीटर था और अभी यहाँ से है 2600 किलोमीटर। तो मान के चलो अगर 100 एक दिन का चलाते हैं तो 26 दिन तो डायरेक्ट ही मान के चलो सीधे सीधे हो रहे हैं, अगर 1-2 दिन हम ऊपर नीचे होते हैं या फिर कहीं दिक्कत परेशानी आती है तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा, मतलब 30 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे कन्याकुमारी का। तो गाइज आज हमारा शायद चौथा दिन है ना, और बहुत ही अच्छे निकल रहे सारे दिन, भगवान की कृपा हम पे ऐसे ही बनी रहे और ऐसे ही हमारे दिन निकलें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई प्लीज़ भाई को प्यार करें, सपोर्ट करें यार है ना, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर
सक्सेस नहीं मिलेगी ना तो मेहनत बुरा मान जाएगी। और भाई अब के बार जो मैं टूर कर रहा हूँ, मैं आपको बार बार बता देता हूँ कि विदाउट मनी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है भाई मनी की जरूरत तो होती है, पर इतनी मनी नहीं है कि मैं खुद से कर पाऊँ। हर राइड में करता था तो मैं अपने आप से कर लेता था, आपकी बार भाई आप लोगों को हेल्प करनी पड़ेगी, बगैर हेल्प के मेरी यात्रा पूरी नहीं होने वाली है। तो यही कहूँगा आप लोगों को कि अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करें तो सोशल मीडिया की सपोर्ट करें, है ना, वीडियोज को शेयर करें। अगर 100 में से अगर एक भी बंदा मेरे को सपोर्ट करने वाला मिल गया ना तो भाई मेरा दिन निकल जाएगा आराम से अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, बस उन तक वीडियो पहुँचने का इंतज़ार रहता है, उनके शहर तक वीडियो पहुँचने का इंतज़ार रहता है। तो आप इतना काम करिए मेरा कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुँचा दें जो मेरी हेल्प करने के लिए बैठे हैं या फिर तैयार रहते हैं। तो आज के व्लॉग्स में भाई इतना ही, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। गुड नाइट, शुभ रात्रि। फाइनली गाइज, अपना खुद का घर तैयार हो चुका है और ये स्लीपिंग बैग अभी सर्दी नहीं, इस वजह से पीछे लगाया हुआ है। और बस देख रहे हो कैंपिंग टेंट अपना रेडी है, इस वजह इधर से हम खोल के रखते हैं, क्योंकि देखो हमारे सामने हमारी साइकिल, हमारी मेहनत खड़ी है, तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ना। तो अभी इतना ही है आज के ब्लॉग्स में और अब सोएंगे, और क्योंकि थक गए हैं। तो मिलते हैं मॉर्निंग में आप सबसे, बहुत ही अच्छा व्लॉग लेके आऊँगा डेली डेली डेली। तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को वॉच करें। जय हिंद, जय भारत।